رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत तुझ से दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा और मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा और जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों बिरादरे गिरामी मोहम्मद राशिद रजवी साहब ने हुक्म दिया है कि 11वीं शरीफ का बाबरकत महीना जारी है तो थोड़ी देर हम क्यों ना सरदार औलिया सुल्तान औलिया सैयदुल आशिकीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जिस आया करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर इस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर के बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है
अल्लाह तबारक व ताला कुदरत वाला है और उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसकी शान इंसान के तसव्वुर में नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला की शान तसव्वुरात से बाला तर है, तखय्युलात से बाला तर है। इंसान जो सोचता है, इंसान जो तसव्वुर करता है, उससे बहुत बाला, बहुत बुलंद अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत है। उसकी कुदरत के क्या कहने, वो अल्लाह है जिसने आसमान का साहिबान बनाया, मगर मेरे करीम को आसमान का साहिबान बनाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। उसने पिलर के बगैर इतना बड़ा आसमान बनाया, उसने जमीन की चादर बिछाई, उसने सब्जों को पैदा फरमाया, उसने आबशार गिराए, उसने दरियाओं को रवानी बख्शी, उसने समुंदरों को पैदा किया, उसने सितारों की अंजुमन को पैदा किया, उसने चांद को पैदा किया, उसने सूरज को पैदा किया, और ये सारी पैदाइश उसने कुन फरमा करके ये सारी चीजों को पैदा फरमाया। तो वो अल्लाह जो कुन कहकर कायनात को पैदा करता है, वो अल्लाह जो परिंदों को उड़ने की ताकत अता करता है, वो अल्लाह जो हवाओं में परवाज की ताकत एक मामूली सी मखलूक मक्खी और मच्छर को अता करता है, उस खुदा की शान ये है कि जब कोई बंदे को वो अपना दोस्त बना लेता है, जब वो किसी को अपना बना लेता है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको इतनी ताकत और कुव्वत अता करता है कि बंदा बंदा रहता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत के जलवे उस बंदे के हाथ पर जाहिर होते हैं। वो इशारा करता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो ठोकर लगाता है तो मुर्दों को जिंदगी मिलती है, वो इशारा करता है तो तकदीरें बदल जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, मन काना लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हीं वलियों में से एक वली वो हैं जो सिर्फ वली नहीं, इमामुल औलिया हैं, सज्जदुल औलिया हैं, वलीजुल औलिया हैं, अल्लाह अकबर, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, शेख अब्दुल कादिर के नाम से जानती है, सरकार कादरियत के नाम से जानती है। हम और आप क्या, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों मैं वो हूं, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना, मैं किसी की तरह नहीं हूं, कोई मेरी तरह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमो माला तालमून, आलमो माला तालमून का राज अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते हैं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी, उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं, जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई, उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के मेरे साथ, मेरे अल्लाह के साथ खास ताल्लुकात है, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न देना। तेरे मानने वाले को पहले तौबा की तौफीक दूंगा और उसके बाद फिर उसको मौत अता करूंगा। ये सरकार गौसे पाक हैं, सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, बड़े बड़े औलिया उनकी बारगाह में खिराज पेश करते हैं। आइए उनकी बारगाह में खिराज, जब गरीब नवाज पेश करते हैं तो इस तरह पेश करते हैं। गरीब नवाज जिसकी मनकबत लिखे वो शान गौसे आजम की शान। गरीब नवाज लिखते हैं, या गौसे मुअज्जम नूर हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। सरकार गौसे पाक को सिर्फ गौस हम ही नहीं मानते, हिंदुस्तान का सुल्तान जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है, वो भी उन्हें गौस कह करके पुकार रहे हैं। कहते हैं, या गौस मुअज्जम नूर हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान तो आलम कुतब ओला, हैरात जलालत अर्द समा। ये मनकबत के 4 मिसरे सरकार गरीब नवाज ने गौसे पाक की बारगाह में पेश किया है। शाह नक्शबंद सैयदी सरकार शेख मुजद्दिद अल्फिसानी
रदी अल्लाह तआला शेख अहमद सरहिंदी, ये वो जात है जिसने तौहीद पर वो काम किया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। आज लोग ये कहते हैं कि सुन्नी तौहीद के खिलाफ काम कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, कि वो या गौसल मदद की बात करते हैं, गौस पाक को मदद के लिए पुकारते हैं। नादानों, जिसने अकबर के दीन इलाही को खाक चटा दिया, उस मुजद्दिद अल्फिसानी का अकीदा सुनो। वो मुजद्दिद अल्फिसानी जिसने तौहीद के परचम को हिंद की सरजमीन पर बुलंद किया, जिसने मुल्हिदों को खाक चटाया, जिसने अजमत तौहीद के लिए ग्वालियर के किला के अंदर जेल की सलाखों के पीछे जाना गवारा किया, लेकिन बातिल के साथ इत्तेहाद करना गवारा न किया, वो मुजद्दिद अल्फिसानी का अकीदा क्या है? सुनो, इस मैदान के अंदर सुन्नी तन्हा नहीं है। हमारा वही अकीदा है जो अकीदा मुजद्दिद अल्फिसानी का था। मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बच्चे एक मौलवी साहब के पास मदरसा पढ़ते थे, एक मौलवी साहब के पास इल्म हासिल करते थे। मौलवी साहब हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रदी अल्लाह तआला से मिलने के लिए आते हैं। जब मुलाकात के लिए आए तो उस वक्त हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मौलवी साहब की तरफ कोई तवज्जो नहीं की, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनको कोई इज्जत नहीं दी। मौलवी साहब थोड़ी देर रुक करके चले गए। जब चले गए तो उस वक्त तो बच्चों ने कहा, अब्बा जान, हमारे उस्ताद आपसे मिलने के लिए आए थे, आपने कोई तवज्जो नहीं की, आपने उनको कोई इज्जत नहीं दी, आपने को कोई जो है वो अहमियत नहीं दी। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं, मेरे बेटो, मैं उसको कैसे इज्जत देता? उसकी पेशानी पर लिखा था कि ये जहन्नमी है। मैंने उसकी पेशानी पर उसकी तकदीर को पढ़ लिया है, उसकी तकदीर को मैंने पढ़ा। अरे एक जन्नती सरहिंदी जो है वो किसी जहन्नमी को इज्जत और वकार कैसे दे सकता है? उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा था, इसलिए मैंने को कोई इज्जत नहीं दिया। बच्चे कदम पकड़ लेते हैं, अब्बा जान, अगर हमारा उस्ताद जहन्नम में जाएगा तो आप जैसे बाप का फायदा किसको मिलेगा? आप कुछ कीजिए ताकि हमारे उस्ताद की तकदीर बदल जाए। अल्लाह अकबर, हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी फरमाते हैं, पेशानी पे तकदीर पढ़ना तो अल्फिसानी का काम है, तकदीर बदल नहीं सकता। ये कुदरत अल्लाह ने वलियों में सरकार गौस पाक को अता फरमाई। तकदीर की तीन किस्में हैं और उसमें भी कई किस्में बयान की गई है। बास तकदीरें तो वो है जो हमारी अपनी दुआ से बदल जाती है, बास तकदीरें वो है जो औलिया अल्लाह के इशारे से बदलती है। जो हमारी दुआओं से न बदले, जो आम वलियों की दुआओं से न बदले, उस तकदीर को गौसे पाक बदल दिया करते हैं। मुजद्दिद अल्फिसानी कहते हैं कि मैं आज की रात सरकार गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अगर वो तवज्जे कर दें तो तुम्हारे उस्ताद का बेड़ा पार हो सकता है। ये बात मुजद्दिद अल्फिसानी कब कर रहे हैं? लोग कहते हैं ठीक है, चलो मान लिया कि गौसे पाक जब जमीन के ऊपर हयात थे तो कोई उनसे मदद मांगता था, वो मदद कर देते थे, लेकिन अब तो वो कब्र में हैं, अब मदद थोड़ी कर सकते हैं। बल्कि यहां तक कुछ जालिम कहते हैं अब तो वो मजबूर हो गए। जालिम वो तेरा मुक्तदा होगा जो मरने के बाद मजबूर होता है। हमारा गौस वो है, कुदरत वाले खुदा ने मेरे गौस को कुदरत अता फरमाई। हमारे इमाम आला हजरत कहते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। कादिर का बंदा अब्दुल कादिर को भी अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई है। उनकी कुदरत को कोई क्या जाने। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा ना, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ये शुक्र जो है ना, शुक्र विलायत की एक मंजिल होती है। विलायत की 28 मंजिलें हैं, उसमें से विलायत की एक मंजिल हालत शुक्र है, यानी अल्लाह की मोहब्बत में वली इतना गुम होता है कि उसको अपने आप की खबर नहीं रहती। तो आला हजरत कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। अगर वो वली भी है ना, और वो वली आलम शुक्र में है, तो भी उन्हें क्या खबर के गौस पाक क्या है।
किससे पूछा जाए गौसपाक का मर्तबा, तो कहते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर पूछना है तो जनाबे खिज्र से पूछो कि मेरे गौस को अल्लाह ने क्या शान अता की है। और गौस पाक की शान हजरते खिज्र अलैहिस्सलाम ने यूं बयान की है कि जितनी उम्मतें गुजर चुकी है उन उम्मतों में और उम्मते मुहम्मदिया में गौस पाक जैसा वली न पैदा हुआ है न इमाम मेहदी तक पैदा हो सकता है। ये हजरते खिज्र फरमा रहे हैं, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये खिज्र के होश से पूछो कि अल्लाह ने मेरे गौस को क्या शान अता की है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया बेटो आज की रात मैं गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अगर वो करम कर दे तो तुम्हारे उस्ताद का बेड़ा पार हो जाएगा। कब कहा? गौस पाक के पर्दा फरमाने के 450 साल के बाद कहा। गौसे पाक ने पर्दा फरमाया 561 हिजरी में, और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना जो है वो 11वीं सदी है। आप गौर फरमाएं, वो अपनी सदी में कह रहे हैं और कि मैं गौस पाक की बारगाह में अर्जी पेश करूंगा, अर्जी पेश करूंगा। वो सरहिंद में है, गौसे पाक का मजार बगदाद में है, तो कहां से अर्जी पेश करेंगे? तो पता चला हिंद में रहकर गौस पाक को मदद के लिए पुकारना ये किसी मौलवी का तरीका या बिदत नहीं है, ये मुजद्दिद अल-फसानी जैसे वली की सुन्नत है। कहते हैं कि मैं रात अर्जी पेश करूंगा वो तवज्जे करें। इसीलिए तो अशतुल लमात में, ये अशतुल लमात मिशकात शरीफ की शरह है और इसको लिखने वाली जात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो मुहद्दिस हैं कि जिन्होंने इल्मे हदीस हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैलाया है, और ये मुहद्दिस कोई मामूली मुहद्दिस नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो मुहद्दिस है कि जिस वक्त मदीने मुनव्वरा में थे आका ने फरमाया अब्दुल हक हिंदुस्तान जाकर मेरे दीन की खिदमत करो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके बगैर दिल नहीं लगता, मदीना छोड़कर कैसे जाऊं? आका ने फरमाया अब्दुल हक मदीने में रहते हो और मेरी याद आती है तो मेरे मजार पर आते हो, हिंद जाकर दीन की खिदमत करो, जब वहां मेरी याद आएगी सर झुका लिया करना, मेरा दीदार कर लिया करो। वो मुहद्दिस दहलवी अशतुल लमात में लिखते हैं कि गौसे पाक आज भी अपनी कब्र से जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, अपने मानने वालों की मदद करते हैं। हमारे पास हवाला इतना मजबूत है कि शेख अब्दुल हक जैसा मुहद्दिस जिसके इल्मे हदीस पर क्या अपने क्या पराए सबको नाज है। और आपको बताऊं ये तो शेख अब्दुल हक है, इब्ने तैमिया जैसा आवारा मुहद्दिस शायद ही दुनिया में कोई हुआ होगा। इब्ने तैमिया अपने मजमूल फतावा में लिखते हैं जैसे सूरज और चांद के वजूद का इनकार नहीं किया जा सकता, वैसे अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत का इनकार नहीं किया जा सकता। वो न मानने वाला आदमी भी मेरे गौस को मानता है, मेरे गौस की विलायत का इनकार नहीं करता, क्योंकि जानता है कि जिन जो इनसे लड़ता है वो मिटा दिया जाता है। बहरहाल इसकी तफसील नहीं, तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं मेरे बेटो अगर रात को वक्त मिला तो मैं अर्ज करूंगा। सुबह हो गई, पता नहीं क्या हुआ, सुबह को फिर मौलवी साहब आए। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने उस मौलवी साहब को अपने सीने से लगा लिया। बेटों ने अर्ज किया अब्बा जान कल तो कोई इज्जत नहीं दी, कल कोई आपने उसको अहमियत नहीं दी, आज उस्ताद जैसे ही आया आपने उसको सीने से लगा लिया। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं बेटो क्या करूं, कल उसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, आज जब सुबह को उसकी पेशानी देखा तो उसकी पेशानी पर जन्नती लिखा हुआ था। बेटो ने कहा अब्बा एक रात में जहन्नमी जन्नती कैसे बन गया? तो हजरत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं रात को बगदाद के ताजदार की बारगाह में मैंने अर्जी की थी कि मेरे बेटों के उस्ताद की तकदीर बदल दे, पूरी रात के अंदर मेरे गौस ने जहन्नमी को जन्नती बना दिया। इसीलिए आला हजरत कहते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है,
मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। या गौसे आजम, अगर हमारी तकदीर बुरी है तो उसको भली कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको तकदीर के दफ्तर पर इख्तियार अता फरमाया है। और ये एक ही बात नहीं, इस तरह के दर्जनों वाकयात हैं, गौसे पाक तकदीर बदलते हैं। आइए, वक्त तो थोड़ा सा है, एक बात और अर्ज करूं, गौसे आजम तकदीर बदलते हैं। हम सुन्नी तकदीर पर ईमान लाते हैं लेकिन तकदीर से परेशान नहीं। जिसके मुकद्दर में गौस पाक जैसा पीर आया हो उसको तकदीर से खौफ क्या है? कहने वालों ने कहा है, औरों को जो मिला है दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये मेरे गौस की शान है। एक मर्तबा का वाकया है, बगदाद का एक ताजिर तिजारत के लिए जाना चाहता था, अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, इजाजत है? अल्लाह अकबर, पीर और मुर्शिद ने आंखों को बंद किया और आंखें बंद करने के बाद फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ लोहे महफूज पर कि तेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि तू सफर पर जाएगा तो अल्लाह तुझे बहुत माल अता करेगा, बहुत दौलत अता करेगा, मुनाफा खूब होगा, लेकिन जब तू लौट करके आएगा तो रास्ते के अंदर तुझे डाकू मिलेंगे और डाकू कत्ल कर देंगे, तेरा कत्ल हो जाएगा, तेरा माल छीन लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये कैफियत थी। और फिर आपने फरमाया, यानी उनके पीर और मुर्शिद ने कहा, एक काम करो, सफर पर ना जाओ। लेकिन आप जानते हैं ताजिरों का हाल क्या होता है, ताजिर के लिए बड़ी कीमती चीज माल होता है। अगर पीर ने मना कर दिया कि लेकिन ये भी कहा कि तेरे मुकद्दर में बहुत सा माल लिखा है, इस सफर में मुनाफा बहुत होगा, वो ताजिर था, रुकने वाला कहां था? उसने सोचा, पीर और मुर्शिद मना करते हैं, खुश नसीबी यह है कि मैं बगदाद में रहता हूं, यहां पीर के अलावा पीराने पीर भी मौजूद है, इस सरजमीन पर पीराने पीर भी बसते हैं, चलो चलकर उनसे पूछते हैं। गौसे पाक की बारगाह में आया, हुजूर क्या करूं, क्या मैं जा सकता हूं? अल्लाह अकबर, पीर ने जो मना किया था वो कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह अकबर, कैफियत यह थी, ऐसे आलम में मेरे गौस ने आंखें बंद की और निगाहों को नीचे किया, गर्दन को नीचे किया, फरमाते हैं जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। पीर ने मना किया, मेरे पीराने पीर ने इजाजत अता कर दी। अल्लाह अकबर, ताजिर निकला, सफर पर रवाना हुआ, पीर के कहने के मुताबिक उसको बहुत माल मिला, बहुत मुनाफा मिला, खुशी खुशी वापस आ रहा था। रास्ते में एक जगह पर माल भूल गया और थोड़ी दूर आकर के सो गया। जब सोया तो ख्वाब में क्या देखा कि बहुत से डाकू आते हैं और आने के बाद उस पर हमला करते हैं, उसके वजूद को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसका माल छीन लेते हैं। ऐसा डरावना ख्वाब देखकर जब वो बेदार हुआ तो उसका पूरा वजूद थर थर कांप रहा था, लेकिन वो खुश था। तकलीफ भी थी, खौफ भी था, लेकिन एक तरह की खुशी भी थी कि मैंने ख्वाब तो देखा है, हकीकत में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब माल देखा तो माल नहीं मिला, पता चला कि माल वो कहीं पर भूल चुका है, वहां गया तो माल मौजूद था। माल लेकर के जल्दी जल्दी शहर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। जब बगदाद मोहल्ला के करीब पहुंचा तो दिल में ख्यालात आते थे, पहले पीर से मुलाकात करूं या पहले पीराने पीर से मुलाकात करूं, पीर ने तो मना किया था। अल्लाह अकबर, रास्ते के अंदर पीर मिल गए, फरमाया जल्दी जा, सबसे पहले पीराने पीर गौसे आजम से जाकर मुलाकात कर। जब वो वहां पहुंचा, सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्जी पेश की, हुजूर में आ गया, खैरियत के साथ वापस आया। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला से उसने कहा, हुजूर मेरे पीर ने मना किया था, आपने इजाजत दे दी। मेरे पीर कहते थे कि तेरी तकदीर में लिखा है कि लौहे महफूज पर यूं है कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, हुजूर लेकिन आपने इजाजत दे दी। गौसे पाक फरमाते हैं, तेरे पीर ने सच कहा था, तेरी तकदीर में लिखा हुआ था कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है कि जो मेरा मानने वाला होता है अगर उसकी तकदीर बुरी होती है तो मैं उसको ख्वाब में पलट देता हूं और हकीकत में उसको बचा लिया करता हूं। मेरे मानने वाले से मैं उसकी तकलीफों को ख्वाब में पलट कर हकीकत में बचा लेता हूं। ये मेरे गौस की शान। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, तकदीरें बदल दी। एक मुरीद था आपका, सुबह के वक्त फजर के वक्त हांफते कांपते आया, कहा हुजूर आज मैंने ख्वाब देखा, बताने की हिम्मत नहीं होती। फरमाते हैं, बताओ क्या बात है? कि मैंने 70 अजनबी औरतों से जिना किया और जिना वाला ख्वाब देखकर मुझ पे गुस्ल की हाजत हुई। फरमाते हैं, डर मत,
मैंने रात तेरी तकदीर जब पढ़ी तो अपने अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरा मुरीद होकर ये जिना करेगा, जब जिना करेगा तो जहन्नम में जाएगा, मेरे करीम मेरी खातिर मेरे इस मुरीद की तकदीर बदल दे। अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर तेरे लिए जो हकीकत में ये जिना करने वाला था 70 अजनबी औरतों से, इसको ख्वाब में दिखा दिया जाए और हकीकत में इसको जिना से बचा लिया जाए। तो गौसे पाक फरमाते, तेरी तकदीर इस तरह बदली, ये गौसे आजम की शान है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, हम उनकी शान क्या बयान कर सकते हैं। बड़े बड़े कहने लगे कि गौसे पाक वो हैं जिनकी शान हम बयान नहीं कर सकते, गौसे पाक वो है जिनकी अजमत बयान नहीं की जा सकती, बयान से बाहर है उनकी अजमत। अरे आला हजरत जैसा जिसके बारे में यूं कहें, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, कोई क्या जान सकता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। एक मरतबा सरकार गौसपाक बयान करते, खिताब फरमा रहे थे, खिताब करते हुए आपके एक मुरीद और खलीफा थे हजरत शेख अलीब ने हेती रहमतुल्लाही ताला ले, उनकी आंख लग गई, वो सोने लगे। अब आमतौर पे होता है ना कि जब मुकर्रर बेचारा तकरीर कर रहा हो पूरे शबाब पर तकरीर और कोई सो जाए तो वो बुरा मान जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ये सो रहे हैं, तो कभी कभी लोग उसको उठा देते हैं, कभी उसको कुछ कह देते हैं। लेकिन लोग गौसपाक की तकरीर में सो जाते थे, अगर अपनी तकरीर में सो जाए तो ताज्जुब की बात क्या है। तो लोगों को इस तरीके से फील नहीं करना चाहिए। तो गौसपाक की तकरीर में वो भी उनके खलीफा सो रहे हैं, यानी कोई मामूली आम आदमी नहीं, शेख अली इब्ने हिती बहुत बड़े वली हैं, सो रहे। लेकिन मेरे गौस की शान है, आप मिंबर से उतरे और शेख अली इब्ने हिती के आगे आकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। अब कोई पीर मुरीद के सामने हाथ बांधकर खड़ा होगा तो लोगों को ताज्जुब तो होगा कि पीर मुरीद, और वो भी पीर नहीं, वो पीराने पीर खड़े हो गए हाथ बांधकर। पूरी महफिल पे सन्नाटा छा गया, पूरी महफिल पे सन्नाटा, सब हैरान है क्या हो रहा है। फिर उसके बाद शेख अली इब्ने हिती की आंख खुली, उन्होंने सरकार गौसपाक को देखा, बैठ गए इत्मीनान से। आप गए, खिताब फिर शुरू कर दिया, बयान फिर शुरू कर दिया। जब खिताब और बयान शुरू हुआ, जब उसके बाद इख्तिताम हुआ तो लोगों ने पूछा, हुजूर आज आप अजीब काम आपने किया कि अली इब्ने हिती के सामने आप हाथ बांध के खड़े हो गए। फरमाया, उससे पूछो वो क्यों सो रहा था और क्या कर रहा था सोते हुए। तो शेख ने कहा, हुजूर मैं जो सो रहा था तो सोते में मैंने देखा कि आपका खिताब सुनने के लिए सैयदुल अंबिया तशरीफ लाए, इमामुल अंबिया आए, मौला अली आए हैं, और आका अली ये मुर्तजा से कहते, अली देखो देखो अपना बेटा कितना अच्छा खिताब करता है, आका दांत दे रहे आपके खिताब की। हजरत गौसे पाक से लोगों ने कहा, हुजूर ये तो सोते सोते हुजूर का और मौला अली का जलवा देख रहे थे, आप हाथ बांध के क्या कर रहे थे। गौसे पाक फरमाते हैं, सोते सोते ये नबी का दीदार कर रहा था, मैं जागते जागते मुस्तफा का दीदार कर रहा था, मैं हालत बेदारी में अपने नबी का दीदार कर रहा था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है सरकार गौसे पाक के साथ। गौसे पाक खिताब करते हैं तो आपके खिताब में सिर्फ मेरे आका नहीं बल्कि यहां तक बहजतुल असरार की रिवायतें मौजूद है कि अंबियाए किराम भी गौसे पाक के खिताब में शिरकत के लिए तशरीफ लाया करते थे। औलिया तो आते थे, सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ तशरीफ लाते थे। ये शान सरकार गौसियत की शान है। उन जैसा वली कयामत तक, इमाम मेहंदी तक अब उम्मत मुहम्मदिया में पैदा नहीं हो सकता। हम उनकी उनसे मदद मांगते हैं। आखिरी बात बस कर रहा हूं गुफ्तगु समेटते हुए, लोगों को हैरत होती है, भाई उनको क्यों पुकारते हो तुम, बंबई के कौन से फ्लैट में रहते हो, वो बगदाद में रहते हो, उन्हें क्या पता, वो तुम्हारी कैसी मदद करेंगे, तुम जंगल में होते हो, बियाबान में होते हो, मोहल्ले में होते हो, वो तुम्हें क्या पहचानेंगे। नादानो सुनो, कुरान है कुरान, सूरह नमल है, सूरह नमल में अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है। अल मुख्तसर ये कि हुदहुद ने बिलकीस और तख्त बिलकीस की बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताई, आपने फरमाया खत लिख करके उसको बुला कर लो। लेकिन आपने ये भी कहा कि बिलकीस के आने से पहले पहले
तख्त बिलकिस मेरे दरबार में चाहिए। बड़ी मशहूर बात है, आप सब जानते हैं। एक नापाक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं तख्त बिलकिस लाऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में? उसने कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले तख्त बिलकिस मैं ले आऊंगा। आपने फरमाया बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर नहीं चाहिए, और जल्दी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल कब खत्म होती थी? यूं समझ लीजिए कि चाश्त का वक्त होता है ना, यानी कि जवाल से पहले पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल खत्म हो जाती थी। सुबह शुरू होती थी सूरज निकलने के बाद और चाश्त के वक्त खत्म हो जाती थी। वो जिन्नात कह रहा है कि मैं महफिल खत्म होने से पहले ला दूंगा, यानी आधे दिन के अंदर अंदर, आधे दिन से भी कम में। आप फरमाते बहुत ताखिर होगी, मुझे और पहले चाहिए। तो आपकी उम्मत के एक वली आसिफ इब्ने बरखिया खड़े हुए, कहा हुजूर मैं लाता हूं। फरमाया तुम कितने वक्त में लाओगे? तो कहा कि आपके पलक झपकने से पहले तख्ते बिलकिस हाजिर कर दूंगा। अब पलक झपकती कितने टाइम में? अच्छा एक हैरत अंगेज बात आप तवज्जे फरमाएं, तफसीर के निकात पर आप तवज्जे करें। हजरत आसिफ ने सुलेमान अलैह सलाम से ये नहीं पूछा कि आप हुदूद से पूछ करके बताएं कि मलकए सबा बिलकिस के महल का एड्रेस क्या है, वो किस मोहल्ले में रहती है, वो कहां रहती है, और महल के अंदर भी जो है वो तख्त बिलकिस बहुत कमरों में ताले लगा करके रखा जाता है, तो महल में किस कमरे में तख्त बिलकिस है, ये सब नहीं पूछा। कहते हैं आपकी पलक झपकने से पहले, पलक झपकेगी उससे पहले तख्त बिलकिस आपके दरबार में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि तख्त बिलकिस जब पलक झपकने से पहले आएगा, आसिफ जाएंगे कब, लाएंगे कब? जाए तो पलक झपक जाए, आए तो पलक झपक जाए, उससे पहले तख्त बिलकिस लाने की बात करते हैं और लाकर पेश भी कर दिया। अल्लाह अकबर, इससे पता चला कि जनाब आसिफ गए नहीं, वहीं खड़े खड़े आपने तख्ते बिलकिस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। कब? पलक झपकने से पहले, एक महीने से ज्यादा की मुसाफत से आपने ला करके पेश कर दिया। कुरान उनकी सिफत बयान करता है, उनकी शान क्या थी। अल्लाह फरमाता है कि हमने आसिफ को, जो वो वली थे ना, उनको किताब का इल्म अता किया था। किताब, अब वहां किताब से मुराद मुफस्सरीन फरमाते हैं जबूर है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कौन सी किताब थी? जबूर थी। तो आप मुझे बताएं, जिसको जबूर का इल्म हो, जो जबूर का आलिम हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से ना हो, वो तख्ते बिलकिस पलक झपकने से पहले लाकर पेश कर देता है। अब मेरे गौस की शान सुनो, वहां जबूर की बात नहीं है, जबूर से अफजल तरीन किताब, आखिरी अल्लाह की किताब कुरान का इल्म। वहां वली है, उम्मती है सिर्फ, मेरा गौस उम्मती भी है, वली भी है, और रसूलुल्लाह का चहीता बेटा भी है। और गौसे पाक को कुरान का इल्म कितना था? हजरत आसिफ को जबूर का जितना इल्म होगा होगा, लेकिन गौसे पाक को कुरान का इल्म कितना था, इस बात से अंदाजा लगाएं। अल्लामा इब्नुल जौजी अपने वक्त के बड़े अजीम मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं, गौस पाक के हम आसर हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। इनकी तनकीद से शायद ही कोई मुहद्दिस बचा होगा, इल्ला माशाल्लाह। अभी आप इल्मे हदीस पर सुन रहे थे, इब्नुल जौजी बड़े बेबाक मुहद्दिस हैं, सब पर तनकीद की, हत्ता के इमाम बुखारी पर ऐसी तनकीद की कि उस पर पूरी किताब लिख डाली। यहां उसका वक्त नहीं है, और अभी इधर से हदीस की महफिल चलती है, शायद आगे के दरस में आप सुनेंगे। वो इब्नुल जौजी जिसके जरह तादील के मामलात से इमाम बुखारी जैसा ना बच सका, गौसे पाक पर भी तनकीद करते थे कि इनके आम मामलात ऐसे हैं, और ये हैं। गौस पाक के खलीफा थे शेख अबुल अब्बास, शेख अबुल अब्बास की इब्नुल जौजी से दोस्ती थी। इब्नुल जौजी से कहा, इब्ने जौजी मेरे पीर पर तुम तनकीद करते हो, कभी उनको देखा? कहा नहीं देखा। तो कहा पहले देख तो लो, उनको सुना? नहीं सुना। कभी सुन तो लो। बहुत टाल मटोल किया, लेकिन शेख अबुल अब्बास उनको लेकर आए। उस दिन मेरे गौस
खिताब करने वाले थे एक किनारे कोने में बैठ गए दबक कर कि किसी की नजर ना पड़े। सुनिए वहां जबूर का इल्म है कितना है कोई वजाहत नहीं, लेकिन यहां मेरे गौस के इल्मुल कुरान की शान क्या है। बहजतुल असरार शरीफ में भी है, मुल्ला अली कारी ने भी बयान किया है और मुख्तलिफ रिवायतें हैं, हर रिवायत का जायजा नहीं लिया जा सकता। मशहूर रिवायत पेश कर रहा हूं, इब्नुल जौसी जब बैठे गौसे पाक ने कारी से कहा कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ो, कारी ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की और तिलावत के बाद मेरे गौस ने उसकी तफसीर बयान करना शुरू की। इब्ने अब हजरत शेख अबुल अब्बास कहते हैं जब गौस आजम ने कुरान की पहली आयत पहली तफसीर आयत की बयान की तो मैंने इब्नुल जौजी की तरफ देखा, ये जानते हो इसकी तफसीर? तो इब्नुल जौजी ने बड़ी शान से सर हिलाया, हां जानता हूं। फिर दूसरी तफसीर गौसे पाक ने बयान की, फिर मैंने उनकी तरफ देखा, ये जानते हो? उन्होंने कहा हां जानता हूं। ये करते करते 11 तफासीर तक पहुंचे। इब्नुल जौजी 11 तक के कहते थे हां जानता हूं, मेरे गौस ने 12वीं शुरू की। शेख अबुल अब्बास कहते हैं मैंने कहा ये तफसीर जानते हो? इब्नुल जौजी की गर्दन झुक गई कि 12वीं नहीं जानता। वो 12वीं पे नहीं रुके गौस पाक, 13वीं बयान की, 14वीं बयान की, 15वीं बयान की, 16वीं बयान की, हर एक पे मैं पूछता ये जानते हो? वो गर्दन झुका देते, ये जानते हो? वो गर्दन झुका देते। एक रिवायत के मुताबिक 21 तफसीरें बयान की और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 तफसीरें बयान की। इब्नुल जौजी तड़पने लगे, इल्म इसे कहते हैं, इल्म ये है। लेकिन जब 40 तफसीर बयान की, फरमाया ये तो इल्म जाहिर है, मेरे गौस का इल्म किताब की शान देखो। कहते ये इल्म जाहिर है, अरे अब काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ। जब ये कहा काल को छोड़ो और हाल की तरफ आओ तो मजमे में लोगों ने कपड़े फाड़ दिए, चीख उठने लगी, बेहोश हो गए, कोई मर गया। इब्नुल जौजी उठ कर आए, गौस पाक के कदम पकड़ लीजिए, माफ कर दीजिए और अपने गुलामों में कबूल फरमा लीजिए। जिसको जबूर का इल्म हो और उतना हो जितना अल्लाह ने दिया हो, जब वो पलक में झपकते तख्ते बिल्किस ला सकता है, तो जिसको कुरान का इतना इल्म हो कि उनके जमाने में उतना कोई कुरान जानता ही नहीं हो, तो क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकते? इसीलिए तो वो फरमाते हैं मेरे मुरीद घबरा मत, अगर तू मशरिक में हो मैं मगरिब में रहूं, तुझे मुसीबत आए तू मुझे सच्चे दिल से पुकारे, मैं तेरी मदद के लिए पहुंच जाया करूं। इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। सदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, किसको? हम कादरियों को। सदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। वक्त खत्म हो रहा है, वरना और भी बातें पेश की जा सकती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, गौसे पाक से हमारी निस्बतों को अल्लाह उस्तवार फरमाए और उनकी निस्बतों के सहारे अल्लाह जमीन के ऊपर भी रखे, जमीन के अंदर भी रखे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। वमा अलैना इल्ला बिलाह। मैं रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज ईशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट सुन्नी दावत इस्लामी .net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।